शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। पिछली आयतों में एक आयत में ये बात आई थी कि यहूदी कहते हैं कि हम हक़ पर हैं और ईसाई कहते हैं कि हम हक़ पर हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं कि इस्लाम बरहक मज़हब है। यहूदियत और ईसाईयत ये मंसूख हो चुका, ये ख़ुद तो इस्लाम कबूल करते नहीं लेकिन मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, उनको अपनी तरफ खींचने के चक्कर में हैं। उसी के बारे में इरशाद है कि वलन तर्दा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। यहूदी और ईसाई आपसे उस वक्त तक खुश नहीं होंगे जब तक के आप उनके मज़हब की पैरवी ना कर लें, यानी यहूदी और ईसाई आपको अपनी तरफ खींचने के चक्कर में हैं। हालांकि ये हो नहीं सकता कि आप उनके मज़हब की पैरवी कर लें, ये नामुमकिन है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम यहूदी या ईसाई हो जाएं। जब ये नामुमकिन है तो यहूद व नसारा कभी खुश नहीं हो सकते। قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब है और डंके की चोट का जवाब है कि अल्लाह ही की रहनुमाई है। إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى, अल्लाह की जो रहनुमाई है वही हकीकत में रहनुमाई है, और वो है इस्लाम। यानी इस्लाम ये बरहक मज़हब है और यहूदियत और ईसाईयत ये मुहर्रफ है और मनसूख है, नाकाबिल अमल है। अब क़यामत तक इस्लाम ही हिदायत और रहनुमाई है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के दिल में इस्लाम की हिदायत और रहनुमाई पैदा कर दे, इस्लाम के सच्चा और बरहक और मज़हब होने का यकीन पैदा कर दे। سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله